वेलकम बैक गाइस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यार इंडिया में पोकेमोन का वन ऑफ द लार्जेस्ट फैन बेस है यार, और यार इतने फैन बेस होने के बाद भी अभी तक एक भी इंडियन रीजन हमें नहीं देखने मिला। तो आज की वीडियो में यार मैं तुम ही सब फैंस की जो विश है ये पूरी करने वाला हूँ। हम लोग देखने वाले एक इंडियन पोकेमोन रीजन कि यार उसमें क्या क्या हो सकता है, हमें कैसे पोकेमोन मिलते हैं और क्या क्या होता है एक इंडियन रीजन में। इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, एंड तक बने आना। आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने इंडिया रीजन के प्रोटोगनिस्ट को, यानी कि मेल और फीमेल जो दो प्रोटोगनिस्ट रहते हैं, मेन कैरेक्टर रहते हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा जो मेल कैरेक्टर है इसका नाम हम लोग रखते हैं विराज, और जो फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम रखते हैं त्रिशा। तुम लोग भी यहाँ यार कुछ सूटेबल नाम बता सकते हो जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग यार मतलब इंडियन रीजन के जो दो मेन कैरेक्टर हैं उनको क्या अच्छा नाम रह सकता है तुम कॉमेंट के अंदर बता सकते हो। इसके बाद बात करी जाए इंडिया रीजन के प्रोफेसर के बारे में, तो वो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया रहेगा, और इनका नाम हम लोग रख सकते हैं प्रोफेसर साइरस, जो कि एक काफ़ी बढ़िया नाम रहेगा यार मेरे अकॉर्डिंग। और ये प्रोफेसर का जो डिज़ाइन है वो भी बड़ा मस्त सा लग रहा है इंडिया रीजन के लिए। ओके गाइज, अब आते हैं यार यहाँ पे स्टार्टर्स पे, क्योंकि हमको अगर एक रीजन बनाना है तो उसमें स्टार्टर्स तो यार होने ही चाहिए। तो यहाँ पे ये है तीन स्टार्टर जो कि यार बहुत ही गजब बनाया है यार, फैन मेड डिज़ाइन है, ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पे ग्रास टाइप स्टार्टर है मॉर्चिड, और यार जो फायर टाइप स्टार्टर है वो है फ्लैम्प, और लास्ट में आता है यहाँ पे वाटर टाइप स्टार्टर पिनीफैंड। तीनों का ही जो डिज़ाइन है वो बहुत गजब है, और यार सही में सारे स्टार्टर ये जो दिख रहे हैं सारे के सारे बहुत मस्त हैं। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें कॉमेंट में बताना है कि तुम तीनों में से कौन सा स्टार्टर पोकेमॉन चूज़ करोगे। तीनों ही काफ़ी गजब है, लेकिन फिर भी तुम बताओ। मैं यहाँ पे चुनूंगा यार फायर टाइप वाला। सबसे पहले फायर टाइप वाले का जो एवोल्यूशन है वो रहेगा फ्लेरीस, ये तुम देख सकते हो। और यहाँ पे इंडिया रीजन है तो एक यूनिक चीज़ करेंगे कि इनके पास दो ही स्टेज होंगे, यानी कि हाँ ये तीन स्टेज वाले स्टार्टर नहीं होंगे। अब दूसरा आता है पिनीफैंट, जो कि इवॉल्व होगा बोल्ट फैंट में, जिसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और वाटर है। ये दोनों बड़ी यूनिक टाइपिंग है जिनको साथ में जोड़ के यार ये मस्त सा पोकेमॉन बनेगा। और लास्ट में आता है मॉर्चिड, जो कि इवॉल्व होता है लीफिजेंट में, जो कि ग्रास और फ्लाइंग टाइप रहेगा। तो अब तुम्हारी बारी है, चुनो यार कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है तुम्हें। अब आते हैं यहाँ पे हमारे इस रीजन के काउंटर पार्ट पोकेमॉन। तो एक है यार इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप का वेल्किनियन, जो कि यार तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पे इसका जो काउंटर पार्ट है वो है ग्राउंड और ड्रैगन टाइप का क्विंटैगिला। तुम देख सकते हो यार कितना ज़्यादा खतरनाक इसका डिज़ाइन है भाई, मतलब क्या ही कितना कूल बनाया है यार बंदे ने। सही में ये दोनों काउंटर पार्ट पोकेमॉन बहुत आइकॉनिक रहेंगे हमारे रीजन के लिए, क्योंकि दोनों ही बहुत गजब लग रहे हैं। अब नेक्स्ट है यार एकंस पोकेमॉन का एक इंडियन वर्जन, यानी कि इसका ये इंडियन फॉर्म है, जैसे अलग 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 फॉर्म वगैरह होता है ना वैसे टाइप में। तो तुम देख सकते हो पहले ये आरबॉक ऐसे बनेगा, डिज़ाइन तुम देखो कितना चेंज होता है, और फाइनल में ये बनेगा मिफेरिस, जहाँ पे जाके यार ये एक्चुअली में उड़ सकता है भाई, आरबॉक को मतलब पंख मिल जाएंगे। एक्चुअली में यार ऐसे काफ़ी सारे स्नेक्स होते हैं जो कि ऐसे उड़ सकते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए, तो वैसे यहाँ पे यार इसको भी एक ऐसा बना दिया जाएगा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लग रहा है। अगला है सैंडाइल का, यार ये रीजनल फॉर्म तुम देख सकते हो, सैंडाइल के लिए भी यार एक रीजनल फॉर्म काफ़ी ये बढ़िया सा लग रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ये बर्ड पोकेमॉन जिसका नाम है फ्लैमिनी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यार पहला इसका फ्लैमिनी है, फिर ये इवॉल्व होता है फ्लैमिंगो में, और लास्ट है फैमिराज। इसकी टाइपिंग बड़ी यूनिक है, जो कि है स्टील और फ्लाइंग टाइप की, जो कि आई गेस हमें कॉर्विनाइट में देखने मिली थी आखिरी बार एक ऐसे बर्ड टाइप में, और इसके बाद लेकिन ये बन जाता है साइकिक और फ्लाइंग, और मेन एवोल्यूशन में भी ये साइकिक और फ्लाइंग रहेगा अपने लास्ट स्टेज तक। इसके बाद अगला हमारा एक कुंफू वाला पोकेमॉन आता है जिसका नाम है यामेन। तुम देख सकते हो इसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा गजब लग रहा है यार, और इसका जो फाइनल स्टेज है वो है कुंगफर, जो कि नॉर्मल और फाइटिंग टाइप का है, जो कि बहुत गजब लग रहा है। तुम समझ सकते हो कि ये मीनशाओ पोकेमॉन का इंडियन फॉर्म है। ऐसे यार मतलब इंडियन रीजन के भी काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्म्स रहेंगे जो कि यार बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। नेक्स्ट पोकेमॉन आता है ग्रूब्रॉल, तो ये ग्रास टाइप का पोकेमॉन है, एक बग जैसा पोकेमॉन, और ये इवॉल्व होता है वॉरवॉस्प में। तुम देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा गजब लग रहा है, जिसमें जाने के बाद ये ग्रास और डार्क टाइप का बन जाता है। और यार ये जो इसकी टाइपिंग है ना ये बड़ी मस्ती लग रही है, इसका डिज़ाइन बड़ा गजब है, थोड़ा बजवल टाइप का डिज़ाइन लग रहा है, और पर्सनली मुझे ये बड़ा सही लगा। इसके बाद यार देखो ईवी का हम एक नया इवोल्यूशन देने वाले हैं, जो कि है टाइटेनियन, जो कि एक स्टील टाइप का इवोल्यूशन होगा, जो कि बिल्कुल ही नया है तुम देख सकते हो। और मुझे लगता है इंडियन रीजन के हिसाब से स्टील टाइप देना काफ़ी अच्छा सा रहेगा यार, मतलब काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है ये, तो हाँ ये काफ़ी अच्छा इवोल्यूशन है। और इसके अलावा जो लिटलियो पोकेमॉन है उसके लिए भी यहाँ पे हमें यार नए इंडियन टाइप के फॉर्म मिल जाएंगे, जो कि पायरोर, दोनों पायरोर जो मेल और फीमेल रहते हैं उनका अलग अलग फॉर्म है, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तुम देख सकते हो उनका जो फर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है, तो ये भी एक इनका इंडियन फॉर्म रहेगा जो कि बहुत गजब लगेगा। नेक्स्ट है हमारा कायल्ड्रा पोकेमॉन, जो कि एक कमेलियन टाइप का पोकेमॉन रहेगा, और यहाँ पे ये इवॉल्व होता है सिनेडिपिन पोकेमॉन में से, और इसका जो फाइनल स्टेज है ये है क्लाइड्रा। तो तुम देख सकते हो डिज़ाइन इसका भी बड़ा मस्त लग रहा है, और कमेलियन पोकेमॉन वैसे भी यार होते बड़े खतरनाक है भाई, हाँ मतलब केक्लियन वगैरह तो इतने नहीं है, लेकिन स्टिल हाँ ये काफ़ी बढ़िया रहेगा एक कमेलियन पोकेमॉन।
नेक्स्ट है चुचीला पोकेमॉन। इसका नाम यार थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन हाँ पोकेमॉन बड़ा क्यूट सा है। तुम देख सकते हो वैसे भी यार एक पिकाचू टाइप का पची रिसू जैसा कुछ एक क्यूट सा पोकेमॉन हर रीजन में चाहिए होता है, तो इंडियन रीजन में वो काम ये चुचीला पोकेमॉन कर देगा यार, जो कि बड़ा मस्त सा पोकेमॉन है एक अजीब से नाम के साथ। अब यार यहाँ पे हम आते हैं एक लेजेंडरी पोकेमॉन पे। तो देखो रीजन के अंदर दो लेजेंडरी पोकेमॉन होंगे कुछ इस टाइप के, और ये यहाँ पे एक दूसरे के काउंटर पार्ट होंगे। जैसे यार बेसिकली जैक्रोम क्यूरोम है और बाकी सब भी जो काउंटर पार्ट पोकेमॉन होता है, वैसे ये काउंटर पार्ट लेजेंडरी पोकेमॉन रहेंगे। और यार तुम डिज़ाइन वगैरह देखो कितना ज़्यादा खतरनाक और यूनिक सा डिज़ाइन लग रहा है, और इनका जो डिज़ाइन है वो एक्चुअली काफ़ी हद तक इंडियन वाला डिज़ाइन ज़रा लग रहा है। तो मुझे लगता है इंडियन रीजन के लेजेंडरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, तो हाँ ये रहेंगे डेफिनेटली। अब यार बात कर लेते हैं जिमनीडर्स के बारे में, क्योंकि अगर एक रीजन है तो वहाँ पे जिमनीडर्स तो होते ही है यार, ताकि जो ट्रेनर्स हैं उन्हें हरा के बैच जीत सके। इंडियन रीजन के अंदर यार जो जगह हैं वो बहुत गजब गजब है, यानी कि हमारे यार जो स्टेट्स हैं और जो सिटीज़ वगैरह हैं वो यार काफ़ी बढ़िया बढ़िया है जिनके अंदर जिम रह सकती है। तुम सोच सकते हो भाई, मतलब सुन के ही कैसा लगेगा भाई कि दिल्ली की जिम में जा रहे हैं यार हम लोग, या फिर मुंबई के जिम में जा रहे हैं हम, मतलब भाई सुन के ही एक अलग सा एक्सपीरियंस रहेगा बहुत ज़्यादा। अगर यार सही में पोकेमॉन का गेम आता है भाई ऐसा टाइप का जिसमें इंडिया रीजन रहेगा और उसमें ये सब जगहें दिखाई जाए, और भाई मतलब क्या ही एक्सपीरियंस रहेगा यार, बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है डेफिनेटली। और यार तुम लोग कमेंट्स में अपने भी थॉट्स बताओ, तुम्हारी क्या राय है यार यहाँ पे इंडिया रीजन को लेके, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग इंडिया रीजन में और क्या क्या हो सकता है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं। और यार यहाँ पे कुछ आइटम्स मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे कि पोशन हो गया, सुपर पोशन हो गया, इनका तुम्हें अल्टरनेटिव क्या लगता है इंडिया रीजन में, मतलब क्या हो सकता है भाई, हम लोग इनको क्या बना सकते हैं, कोई खाने की चीज़ कुछ भी बोल सकते हो तुम कॉमेंट के अंदर, कुछ भी फनी सा, तो हाँ यार तुम लोग बता सकते हो ये कॉमेंट के अंदर। बाकी इंडिया रीजन वाली वीडियो की ये वाली जो सीरीज़ चल रही है हमारी, इसके यार नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर आएगा अगर तुम्हें चाहिए होगा तुम कमेंट बताओगे तो। बाकी हाँ मिलूंगा मैं तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।